अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। आज के माइक्रोबायोलॉजी की प्रैक्टिकल सीरीज में हम आपको बताएंगे बंसन बर्नर का इस्तेमाल करने का सही तरीका, हाउ टू यूज इट सेफली एंड प्रॉपरली। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बंसन बर्नर है जिसकी यहाँ साइड पे एक नॉब है जो कि ऑलरेडी मेन गैस के कनेक्शन से अटैच है, और उससे जो है हम इसको सबसे पहले ऑन करेंगे। ये बंसन बर्नर है, यहाँ से टॉप से फ्लेम आता है और नीचे से जो इसका बैरल है इसको हम मूव करते हैं, और ये इसका स्टैंड है। अब हम इसको ऑन करने से पहले जो है इसकी नॉब को चेक करेंगे कि ये क्लोज ना हो और यहाँ पे गैस की कोई लीकेज ना हो। ऑन करने से पहले इस बात का भी ध्यान आप लोगों ने खास तौर पे रखना है कि इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज ना हो जैसे कि वोलेटाइल सब्सटेंस या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जिसको फौरन से आग लगने का अंदेशा हो। इस बात को खास तौर पर आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी इनफ्लेमेबल लिक्विड्स या कोई भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आपके फ्लेम के इर्द गिर्द ना हो, यानी कि बंसन बर्नर के इर्द गिर्द बिल्कुल भी ना हो। तो यह जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा बेंच टॉप बहुत क्लीन है, और अब यहाँ पे हम बंसन बर्नर को ऑन करेंगे। ये इसकी नॉब है और इससे हम इसको ऑन करेंगे और इसको लेफ्ट साइड से इसको ऑन किया है हमने। अब ये फ्लेम आप देख सकते हैं चूंकि बहुत ऊंचा जा रहा है इसलिए हम इसके फ्लेम को एडजस्ट करेंगे और इसको स्मॉल साइज पे, अगर इसको आप फुल नॉब को फुल इस तरफ टर्न कर देंगे तो इसका फ्लेम बहुत हाई हो जाएगा, और अगर हमें इसके फ्लेम का साइज डाउन करना होगा तो हम इस तरफ से रोटेट कर लेंगे, यानी कि अगर हम इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो फ्लेम बढ़ जाएगा, और अगर क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो फ्लेम का साइज कम हो जाएगा। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि फ्लेम इस वक्त आपको येलो कलर में नजर आ रहा होगा, जो कि येलो कलर का फ्लेम होता है, ये इंटेंस और हाई हीट फ्लेम नहीं होता, और हमें अपने माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए ब्लू कलर का फ्लेम रिक्वायर्ड होता है जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं, जो कि बहुत हीटिंग फ्लेम भी होता है और जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल भी होता है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास एक बैरल है और इसको जब हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो हमारे फ्लेम का कलर ऑटोमेटिकली टर्न ऑन चेंज हो जाएगा और ये येलो से ब्लू में चेंज हो जाएगा। और ये बात ध्यान में रहे कि ये वाला फ्लेम जो है वो येलो वाले से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए जब आपने फ्लेम को ब्लू कर दिया है तब आप इसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें जलने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है तो हम इसको वापस एंटी क्लॉक वाइज कर लेते हैं और इसको टर्न कर लेते हैं ताकि इसका फ्लेम जो है वो येलो कलर का हो जाए, जो कि जिसमें हीट कम होती है। और काम ख़त्म करने के बाद ये बात भी ध्यान में रहे कि इसको हमने इसका फ्लेम डाउन कर देना है, हमने इसका फ्लेम बहुत ज़्यादा ऊंचा रख के काम नहीं करना है, हमने इसका फ्लेम जो है वो दरमियानी सतह तक रखना है और बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाना। हम बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट जो है वो बेंच टॉप पर करते हैं जिसके लिए हमें बंसन बर्नर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि बंसन बर्नर की तकरीबन 12 सेंटीमीटर तक की विसिनिटी में जो है स्टरलाइजेशन मेंटेन रहती है, और इसलिए हम माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स इजीली इसमें कैरी ऑन कर सकते हैं एसेप्टिक मेथड के थ्रू जिसमें कंटेमिनेशन नहीं आती। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है तो हमने इसको पहले क्लॉकवाइज रोटेट करना है ताकि ब्लू फ्लेम हो जाए, येलो से ब्लू फ्लेम के में टर्न हो जाए, और फिर उसके बाद जो है जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, येलो फ्लेम हो जाएगा, और उसके बाद हम इसकी नॉब को स्लो डाउन करने के बाद इवेंचुअली बंद कर देंगे। दिस वॉज ऑल फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बंसन बर्नर, कि बंसन बर्नर को सेफली और प्रॉपरली कैसे यूज किया जा सकता है और इसका बेहतरीन तरीका क्या है, इसको ब्लू फ्लेम कैसे ऑन किया जा सकता है, इसको येलो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस में ज़्यादा हीट होती है और किस में कम हीट होती है, और इसकी सेफ्टी और प्रोटोकॉल हमने आपको बताया है। माइक्रोबायोलॉजी की फर्दर प्रैक्टिकल सीरीज को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू डू लाइक आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।